इन दिनों रामचरितमानस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर अपने अपने अर्थ निकाले जा रहे हैं और उस सब के बीच हम आज बात करेंगे कानपुर की, जहां एक ऐसे टीचर हैं जो इन चौपाइयों का इस्तेमाल केमिस्ट्री पढ़ाने में कर रहे हैं। कानपुर से आइए रिपोर्ट देखिए। अब इसको कैसे रामचरितमानस से आया? आयरन ये भगवान लक्ष्मण और मेघ नाथ जी का वर्णन है। मानस की चौपाई केमिस्ट्री की पढ़ाई से परनंद प्रेम समुख धरे और तब दई होर तमायब लूरे सियावर रामचंद की जय। खेल खेल में छात्र सीख रहे फॉर्मूला। सियावर रामचंद मीन्स क्यों बोल रहे हैं? दिस विल प्रोवाइड द लर्निंग इंटेंसिटी। रामायण के किरदार का पेडियोट्रिक टेबल कनेक्शन से पर CEPR नंद एनडी PM समू SMEU और गदरे GD तब TB दई DY HO होर तमायब TM YB LU सारे एलिमेंट प्रकट हो गए उससे। जिस पर छिड़ा विवाद उससे ज्ञान की बरसात। रामचरितमानस की चौपाई कहती है हौसले बुलंद हो इरादे नेक हो। प्रोफेसर बांट रहे ज्ञान है ये पढ़ाने का विज्ञान। जिस रामचरित मानस की चौपाई पर समूचे देश में महाभारत छिड़ी है उस मानस से कानपुर में केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाया जा रहा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वालों का विरोध लगातार जारी है। जहां एक और राजनीतिक दलों के लोगों ने इसका विरोध किया तो वहीं सामाजिक संगठनों का भी विरोध साफ तौर पर शहर में देखने को मिला। इसी कड़ी में केमिस्ट्री के एक टीचर ने भी अपना विरोध दर्ज कराया और अपनी कोचिंग में केमिस्ट्री के फॉर्मूला के माध्यम से इसका विरोध किया। कैसे है विरोध, इसको जानने के लिए न्यूज 18 की टीम उस केमिस्ट्री के मास्टर जिन्होंने रामचरितमानस को अपने ढंग से समझाया और उन लोगों पर जो इस पर टिप्पणी करते हैं उनको देखिए। इस कक्ष में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, पूरी क्लास है इनकी केमिस्ट्री टीचर की। राजनीति के पटल पर इन दिनों रामचरितमानस पर महासंग्राम छिड़ा है। सदियों पुरानी चौपाइयों का अर्थ और अनर्थ निकाला जा रहा है। हालांकि कानपुर में साइंस के एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो इन चौपाइयों से छात्रों को रसायन विज्ञान का ज्ञान दे रहे हैं। मानस की चौपाई से केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाने वाले प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर PS परिहार, जो खेल खेल में छात्रों को पढ़ाई करा रहे हैं। भगवान रामचरितमानस की चौपाइयों को समझाते हुए इसके जरिए केमिस्ट्री के फॉर्मूले को चुटकियों में हल करने का तरीका बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब का यही अंदाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। देखिए आपके सामने एक हमारी चौपाई है, ये लिखी हुई है कि से पर नंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमायब लूरे सियावर रामचंद की जय। अब ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये बिल्कुल देखिए जो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर परेशान होते हैं उन सब के लिए एक देखिए सोल्यूशन आपके सामने लिखा है। से पर CEPR नंद एनडी PM समू SMEU और गदरे GD तब TB दई DY HO होर तमायब TM YB LU सारे एलिमेंट प्रकट हो गए उससे। सर इसमें नंबर्स भी नीचे लिखे, क्या नंबर है इसका, नंबर्स का क्या? ये सर एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये भी साइंटिफिक रीजन से है। रामचरित मानस में जो उसमें बांटे गए अयोध्या कांड बाल कांड और उसमें कितने किरदार कहां पर थे उनको कॉम्बिनेशन करके एटॉमिक नंबर भी जनरेट हुए। एक श्लोक पढ़ते हैं, तुलित बलधामा महम सलाभदेहम दनुजवन कसानम धान्यनागरम सकल गुण निधानम वानराम दिशम रघुपत प्रिभक्तम वाज्यतम नमामि। मानस पर सवाल उठाने वालों को प्रोफेसर साहब की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ किसी धर्म का ग्रंथ है बल्कि एक विज्ञान है जिससे देश की आर्थिक सामाजिक समस्या का भी हल निकलता है। ये सर इस समय चूंकि देख रहे हैं रामचरितमानस का एक चर्चा का विषय बना हुआ है और रामचरितमानस
एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं, ये एक साइंटिफिक ग्रंथ है, साइंटिफिक है। इसके द्वारा हम डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और इवन तो हमारे देश का विकास, हमारे देश के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब का सोल्यूशन रामचरितमानस से ही है। हमारे ना जाने आप जेई मेंस में, आईटी एडवांस में और नीट में स्टूडेंट इसी के माध्यम, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, ये रामचरितमानस से इनका सोल्यूशन निकलता है। पढ़ाई को लेकर बच्चों में तनाव कैसे कम किए जाएं, केमिस्ट्री प्रोफेसर उसी फॉर्मूले के तहत रामचरितमानस की चौपाई से केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का रहस्य छात्रों को चुटकियों में समझा पा रहे हैं। प्रोफेसर पीएस परिहार का तो ये भी मानना है कि चौपाई के जरिए छात्रों को संस्कार और अनुशासन दोनों मिल रहा है। उनकी क्लास में पढ़ने वाले छात्र भी खुद को रामचरितमानस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सर का ये केमिस्ट्री में चौपाइयों का यूज करना बहुत ही यूजफुल है। इसमें केमिस्ट्री की टफ से टफ बैलेंसिंग रिएक्शन मैकेनिज्म और पीरियोडिक टेबल जैसे इजीली लर्न हो जाते हैं और आज की जनरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे आज की जनरेशन सब भूल जाती है कि हमारे इनसे क्या रिलेशन है, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। और जैसे फिजिक्स और मैथ्स में जो पढ़ते हैं 3D एक्सेस, वैसे सर का कॉन्सेप्ट है 3D डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, ये सक्सेस को और बूस्ट कर देता है। और इसके बाद चौपाई का सिर्फ धार्मिक महत्व तो नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक और जहां छात्रों की एकाग्रता बढ़ रही है तो वहीं चौपाइयों से केमिस्ट्री की क्रियाएं और सूत्रों का आसानी से हल निकाला जा रहा है। साफ साफ शब्दों में कहें तो जिन चौपाइयों पर देश के कई नेता अपनी आधी अधूरी ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सियासी फायदे का जरिया बना रहे हैं, उन्हीं चौपाइयों पर आज विज्ञान के छात्रों में ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। और ये चौपाई है से पर नंद प्रेम समु गदरे, से पर नंद प्रेम समु गदरे, तब दई होर तमायब लोरे। यानी कहीं ना कहीं इस केमिस्ट्री के पूरे फॉर्मूले को इन्होंने इसके नंबर्स के साथ कनेक्ट किया है और ये बताने का उन लोगों को प्रयास किया है कि जिस प्रकार से बिना सोचे समझे जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं वो पहले डेप्थ में जाएं और समझें कि इसका साइंस से सीधा संबंध है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, खबरें जारी हैं।